राधे राधे गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है डेट 4 नवंबर और आज है दिवाली। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, लेकिन मेरे लिए दिवाली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वो आपको आगे पता लगेगा, इसलिए बने रहिए। अब तो मम्मी देखो रसोई में काम कर रही है, तो लग रहा है आज आपको दिवाली है। मम्मी कह रही है हमारे नहीं है दिवाली, वो मैं आपको भी बताऊँगा, छत पर चल के बताऊँगा। तो गाइस मैं आ गया हूँ छत पे, अब मैं आपको बताता हूँ इस पर हमने लाइट्स क्यों नहीं लगाई और दिवाली पे ज़्यादा खुशी क्यों नहीं है कि दिवाली है। क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई था 21 साल का, जो अभी कुछ दिन पहले मतलब फरवरी में ही एक्सपायर हो गया था, 21 साल का था। तो इसलिए इस बार ज़्यादा मूड भी नहीं है मम्मी पापा का भी कि हाँ अब समझ सकते हो आप। तो इसलिए इस बार हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे दिवाली पे। मम्मी भी नीचे ऐसी हो रही है थोड़ी, आज क्या बोलूँ का सामान ले आएंगे, पूजा तो कर ही सकते हैं, भगवान जी की दिवाली है तो उसकी पूजा तो कर ही लेंगे। मम्मी से कहता हूँ कि पूजा कर लो और सामान ले आओ बाजार, क्योंकि मम्मी बाजार से सामान वामान भी नहीं लाई, दिवाली है तो मम्मी को ज़बरदस्ती बेचते हैं कह के कि ले आओ पूजा तो कर ही लेंगे। तो नीचे ही चलते हैं। गाइस देखो मम्मी यहाँ पे उदास हो रही है, और उदास क्यों हो रही है? जाओ ले लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, पूजा तो कर ही लेंगे, प्रसाद भी ले आना। गाइस मैंने मम्मी को ज़बरदस्ती भेजा है बाजार की प्रसाद वरसाद ले आओ। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मेरा मूड नहीं है आज वीडियो बनाने का, क्योंकि मम्मी पापा का भी ऐसे ही मन हो रहा है तो मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। तो आज वीडियो बस इतना ही, आज मतलब आज ब्लॉग में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं करा, शेयर कर देना। इसके साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, अच्छी एनर्जी के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय गाइस।